रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है ईशा? इसमें प्रॉब्लम क्या है? तू चाहती है मैं उस बुड्ढे से शादी कर लूं? विक्रम, मेरी की नियत खराब है। राहुल लव्स यू। इंजॉय अपनी एंगेजमेंट अनाउंस करने। मुझसे पूछे बिना डिसाइड करने से पहले एक बार पूछ तो सकते थे, राइट? हम उस पार्टी में जाएंगे, यही कपड़े पहन के जाएंगे और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेंगे, नहीं तो विक्रम को शक होगा और राहुल को बुरा लगेगा। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। I want to marry you. Isha. 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 Rahul, help me. God. Isha. Vikram, come back here. Enough now. It's a party for God's sake. तुम कहीं नहीं जा रहे हो। कितने लोग जाओगे उसके पीछे? You're staying here. Nothing to worry about. ज्यादा ड्रिंक्स की वजह से अनकॉन्शियस हुई है। थैंक यू डॉक्टर। दी, ये ईशा सच में पागल हो गई है क्या? मतलब बात राहुल की चल रही थी, पर ये तो विक्रम अंकल से शादी करना चाहती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बहन को मैं इतना जान चुका हूँ, वो सिर्फ मुझे तंग कर रही है और एक मजाक था। बट शक्ल देखने वाली थी विक्रम की। He must be so embarrassed, like, you know what I mean? राहुल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बात में करता हूँ, तुम अभी इसका ध्यान दो, मैं विक्रम को देख के आता हूँ। मी हैंडल हिम, ओके? एंड तुम्हारी बहन पागल है, बड़ा लव। ठीक है दी, ये सच में मजाक ही कर रही थी ना, ये गलती से हो गया। ये सच में राहुल से शादी करेगी ना? ऑफ कोर्स ये राहुल से शादी करेगी। सबके सामने तमाशा बना के रख दिया ताकि तुम कुछ ना कह सको। इतनी तो दो कोरे की भी नहीं, हमारी इज्जत की भी धज्जियां उड़ा के रख दी। अम्मी, अपनों से ऐसे नाराज नहीं हुआ जाता। जस्ट चीयर अप, मैं शादी करने वाला हूं उससे। विक्रम, हाउ आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये लड़की तुम्हारी आधे उम्र से भी कम की है। शी इज वेरी चालू। आई कैन गिव इट टू यू इन राइटिंग। यहाँ फेरे खत्म होंगे और वो डिवोर्स फाइल करेगी। तुम्हारी आधी जायदाद लेके के फुर हो जाएगी। अब वो फेरों के बाद क्या करेगी क्या नहीं करेगी, वो फेरों के बाद ही पता चलेगा पम्मी, राइट? विक्रम, बट व्हाई? आई मीन, जब सामने गड्ढा नजर आ रहा है तो जरूरी है उसमें कूदना। लुक एट यू, यू स्मार्ट इंटेलिजेंट बिजनेसमैन, व्हाई वुड यू डू समथिंग लाइक दिस? हां, because I love her. You've lost it. Vikram, you've completely lost it. Rahul, Rahul, come here, darling, come here. Samjhao ise. Ye meri baat samajh nahi raha hai. Just tell him. Rahul, just get me out of here, please. Come. You know what I thought? आप कैसे रिएक्ट करोगे? थैंक गॉड आप ओके हो। कम ऑन, ऐसा कुछ नहीं है यार। अब तुझे थोड़ी पता था कि ऐसा कुछ होगा, बट सबके सब पागल हो गए हैं बाहर। सबकी शक्ल लगी थी, यू लाइक व्हाट? एवरीवन इज सो शॉक्ड, व्हाट? यू नो व्हाट, ईशा एक बच्चे जैसी है। शी इज अ किड। या दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हर, शी इज सो इनोसेंट। मेरा मतलब कि दिल में जो कुछ भी होता है ना, साफ साफ सब कुछ बोल देती है, कुछ नहीं सोचती। अब ऐसे में कोई उससे प्यार कैसे नहीं कर सकता यार। God, God, जब से वो मेरी जिंदगी में आई है, मेरी जिंदगी बहुत कलरफुल हो चुकी है एकदम। I mean, not just my clothes, but my entire life has gone for a spin. I like her so much, just the way she talks, उसका जोर जोर से हंसना, उसकी बातें, उसकी curiosity, उसका अलर्टपन, सभी कुछ, everything. I'm sharing all this with you because I know
that you will understand my feelings. You? मुझे विश्वास नहीं होता कि मुझे प्यार हो गया है और वो भी इतने सालों के बाद और मैं ऐसे बातें कर रहा हूं. God, this is embarrassing. You love Isha? Of course I love Isha. अरे भाई यही तो वो कॉन्फर्मेशन है जिसके बारे में मैं उस दिन बात कर रहा था तुमसे. You'll have a drink? No, I don't need a drink. I'm high on love. I'm high on love and life. Yes. प्यार. You know something? कि प्यार एक ऐसी चीज है जिसे आप ढूंढते रहिए, खोजते रहिए, आपको कभी नहीं मिलती. लेकिन जैसे ही आपका दिमाग उस पर से हटता है, वो सट करके आपके सामने आ जाती है. ये एक फीलिंग है. Hey, are you even listening to me? What I'm saying? Of course. Come on, I'm sharing something such an important thing. I'm with so me. Happy for you. I knew you would be. You're like my son. मैं जानती हूँ तूने ये सब कुछ क्यों किया. तुझे हमारे फ्यूचर की टेंशन लेकर तुझे विक्रम से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है. मैं उससे शादी करना चाहती हूँ. ईशा, तू राहुल से प्यार करती है. तुझे राहुल से शादी करनी. पता है राहुल को क्या लगता है कि तूने उसे तंग करने के लिए ये सब कुछ किया. He's okay with it. But I am not okay with it. मैं खुश नहीं हूँ. जब से उस कैब में बैठी हूँ मैं तब से खुश नहीं हूँ. Didn't you notice that? और जब मैं यहाँ पर आई तो विक्रम के दिए हुए इयररिंग्स मैंने उतार दिए. क्यों? क्यों उतारे? Because Rahul cannot afford them. मुझे वो इयररिंग्स चाहिए. They make me happy. मुझे विक्रम की गाड़ी, मुझे विक्रम का बंगलो, वो सब ऐश और आराम चाहिए. वो they give me happiness. मुझे प्यार नहीं चाहिए. तो यू डोंट लव राहुल? अरे प्यार और शादी में बहुत डिफरेंस होता है. हम प्यार किससे भी कर सकते हैं, पर शादी, शादी सोच समझ कर, इट्स अ बिग डिसीजन यार. और मॉम को ही देख लो, प्यार में शादी करके क्या मिला उन्हें. ईशा, माँ बहुत खुश है. और एक बात याद रख, जहाँ प्यार होता है ना वहाँ हमेशा सुकून होता है. इतना बड़ा मैंशन छोड़ के उस बदबूदार खंडर में खुशी मिलती है. तुम लोग बहुत खुश थे ना वहाँ पर. हाँ, ये सब ना बस दिल बहलाने की बातें होती है देव. और मैं नहीं चाहती कि 30 साल बाद मैं फोटोज देखूं और रिग्रेट करूं कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो क्या होता, वैसे क्या होता तो क्या होता. वही होगा. ईशा, तू रिग्रेट करेगी. अगर आज तूने सही फैसला नहीं लिया ना तो फिर यू विल बी रिग्रेटफुल फॉर ऑल योर लाइफ. मैं सफर नहीं करूंगी. यू नो व्हाई? बिकॉज़ प्यार इज बुलशिट. बकवास है उसका प्यार. और ये फॉरएवर टाइप की बुलशिट ना सिर्फ फेरी टेल्स में अच्छी लगती है. और ना तो मैं सिंड्रेला हूं और ना तो ये फेरी टेल है. सो लेट्स बी प्रैक्टिकल. तुझे क्या लगता है राहुल को पहले कभी किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ होगा? इनफैक्ट बहुत लड़कियां घुमाई है उसने. हाइपोथेटिकली अगर मैंने उससे शादी कर भी ली और अगर उसे दोबारा शादी के बाद किसी और से प्यार हो गया तो आई विल बी लेफ्ट विद नथिंग. ना मेरे पास प्यार रहेगा, ना पैसा रहेगा, ना लग्जरी रहेगी. आई विल बी अलोन. तो इससे बेटर है कि अगर मैं रो भी तो अपने फैंसी बंगलो में फ्रेंच विंडो के सामने कोई फैंसी वाइन के साथ. आई कांट बिलीव इट. तू क्या बोल रही है? तू कब से ऐसी इमोशनलेस हो गई? मैं इमोशनलेस नहीं हूं. I'm just being selfish. I agree कि राहुल एक बहुत अच्छा लड़का है. He's smart, he's charming, he's everything you want. But he still works for Vikram. Vikram is the main man. He's got the real power. और अगर वो चाहे तो एक सेकंड में राहुल को नौकरी से निकाल सकता है. Don't forget that. तो मेरी नौकरी को बचाने के चक्कर में विक्रम से शादी करोगी? Have you lost your plot? What? दिमाग ठीक है? तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है. आई नो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं. विक्रम, मैं तुम्हारा मजाक सीरियसली ले लिया. हम विक्रम को बता देंगे. Don't you dare tell him anything. और किसी को कुछ भी बताया ना तो मैं सबके सामने इनकार कर दूंगी. What? What do you mean? क्या what do you mean? What do you mean? Gibberish बोल रही हूँ. तुम लोगों को समझ नहीं आता. मुझे विक्रम से शादी करनी है. तुम्हें विक्रम से शादी करनी है? तो मैं क्या कर रहा हूँ? तुम मेरे साथ टाइम पास कर रही थी, गेम हो मैं? मजाक समझ रखा है प्यार को तुमने? बोलो. विक्रम. हाय विक्रम. Hey, are you feeling better? Yeah.
I'm better now. But वो सीन क्रिएट हो गया था. मुझे वो लास्ट ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए थी. But I'm happy कि मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया. But I made a fool of myself, right? No, not at all. अरे भाई, यहाँ कोई बाहर का थोड़ी ना. सब अपने हैं. पर हाँ, एक बात जरूर है. अब मुझे लगने लगा है कि I should start getting used to your surprises. But honestly, मैं जब शाम को यहाँ पर आया और देखा कि तुमने वो वाले earrings नहीं पहन रखे हैं जो मैंने तुम्हें भेजे थे. For a moment, I thought that maybe those. I love them. I really love them. जो तुमने कानों में earrings पहने हैं, वो मेरी पूरी 2 months की सैलरी है. That's too gorgeous, but that's too expensive. इतने heavy थे ना, तो मैंने वो निकाल के दे दिया. They're beautiful. I love them. Don't I look lovely? Pretty. जितनी जल्दी आप मेरी हरकतों की आदतें डाल लेंगे ना, उतनी जल्दी मैं हैवी ज्वेलरी को पहनने की आदत डाल. Come. I have to show you something. राहुल, हाँ जॉयस, क्या मैं अभी आ रही हूँ. मुझे लगता था कि वो मुझसे प्यार करती है. You were blinded. सच्चा प्यार कैसा दिखता है तुम्हें मालूम ही नहीं. अच्छा, तो तुम मुझे सिखाओगी कि सच्चा प्यार कैसे दिखता है. See, you're misunderstanding. मेरा मतलब वो नहीं था. मैं बेवकूफ हूँ, मुझे नहीं पता प्यार है वो प्यार क्या होता है, लेकिन तुम्हें पता है प्यार क्या होता है. Very nice. दिलिया, he's drunk and angry. You handle him. I can't. राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल, you're drunk. तुम तो यहाँ काम करते हो, right? तुम्हें यहाँ काम करने के हंसने के टिप्स मिलते हैं, right? You're drunk. I'm drunk. And फिर तो बेटर है ना मैं ड्रंक हूँ. वो क्या है ना, तुम्हें पैसे आसानी से मिल जाएंगे, राइट? एक बात बताओ, तुम्हारा सीधा सा चेहरा है, इसके पीछे जो घटिया दिमाग है. प्लान बनाती हो, क्या करती हो, हाँ? किसको बोलती हो? अपनी बहन को बोलती हो, हाँ? ताकि जाए, वो जाए लड़कों के पास जाए, उनसे फ्लर्ट करे, उनसे प्यार करे. कोई नया लड़का, पुराने वाले से ज्यादा पैसों वाला, उसको छोड़ दो, राइट? एक बात बताओ, ये जो लड़के लोग जैसे मैं हो गया और बहुत सारे शुगर डैडीज तुम्हारे बहन के पीछे जो पैसे खर्च करते हैं, उसका कमीशन कितना मिलता तुम्हें? Shut up, Rahul! You shut up! You shut up! अब इसका बदला तो मुझे किसी से तो लेना है. तुम बताओ, तुम्हारी बहन से लूं कि पहले तुमसे लूं? बोलो राहुल, किससे लूं? मैं तुमसे बदला? छोड़ो उसको, जॉयस क्या करता है, छोड़ो उसको, जॉयस. Hey! इशारे उसका दिल दुखा है जॉयस. और तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिल भी तो टूटा. ईशा को विक्रम से अलग करके रोकी जॉयस, ईशा को विक्रम से अलग करके रोकी जॉयस. It's okay kid, it's okay, it's okay. Yes, I'm coming to DC next week. Yes. Line up all the meetings, all right? Yes. Yes, yes, we will seal the deal. Yes. Okay. We'll see you. Bye. देवीना, तुम यहां इतनी रात को? सब ठीक तो है? मिस्टर बेदी, प्लीज मैरी मी. व्हाट? या
प्लीज चूज मी। आप मुझसे शादी कर लीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको शिकायत का कभी कोई मौका नहीं दूंगी। I'll be the best wife. I love you. Okay, fine. अब बैठो। नहीं नहीं नहीं, आप हाँ आप बस हाँ कह दीजिए। ईशा आपसे प्यार नहीं करती, वो तो बस आपकी पर्सनालिटी, ये लाइफस्टाइल, यू नो, आपके पैसों को लेकर फिदा है। लेकिन मैं आपसे सच्चा प्यार करूंगी, आपको कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। I'll be the best wife that you can ask for. You just say yes. आप प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए। आप मुझे सुन लिया? ये दोनों बहनें आपस में कंपीट कर रहे हैं कि कौन तुम्हें फंसाएगा। इनमें और कोई प्रोस्टिट्यूट में कोई डिफरेंस नहीं है। मम्मी क्वाइट, लेट्स नॉट क्रॉस एनी लाइंस ऑफ डिसेंसी अराउंड हियर प्लीज, फॉर गॉड्स सेक। अपनी बहन को मुझसे दूर करना चाहती हूँ। देवीना, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन सिर्फ फ्लूक से नहीं बना। इतना सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी होता है कि हम लोगों को समझे, उनकी इंटेंशंस को समझे। मैं खुद को भी जानता हूं, तुम्हें समझता हूं, और ईशा को भी। ईशा मेरी बहन है, आपकी कोई बिजनेस डील नहीं है। आप अपने आप को समझते क्या? उसे अपनी जिंदगी देखी कितनी है। She deserves much better. और मैं पैसे और शोहरत की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ किसी हम उम्र इंसान की। आप उससे एज में इतने बड़े हैं, आपको शर्म नहीं आती? मुझे मेरी बहन के लिए एक अच्छा आदमी चाहिए जो उससे प्यार करे, ना कि एक डेस्परेट बुड्ढा जो उसे एक ट्रॉफी वाइफ की तरह सबके सामने फ्लॉन्ट करे। I agree with you, all that you have said. और मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने यहां पर आकर ये सब कुछ बोला, क्योंकि अगर तुम ये सब नहीं बोलती तो I would have doubted your intentions. Devina, I'm fine. Don't worry. तो you're calling off the wedding? Of course not. मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि देवीना की गलतफहमी दूर हो गई। और रही बात ईशा की, तो ठीक है, मान लिया कि वो बच्ची है, कोई बात नहीं, लेकिन एडल्ट है, अपने फैसले खुद ले सकती है। फिर उसका मकसद, उसका इंटेंशन कुछ भी हो, द फैक्ट इज आई लव हर। हम दोनों अगले हफ्ते शादी कर रहे हैं। What? Are you out of your mind? इतनी भी क्या जल्दी है? कौन सी आफत टूट पड़ी है? Wait a minute. तुम कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो कि वो अपना माइंड चेंज कर लेगी? Possible. But I don't want to take a chance. Vikram. And next time, be careful with your words, Pammy. Hi. I've spoken to my assistant and he will take you to all the various designer outlets in the city. Shaadi ki shopping ke liye. Aur fir uske baad bhi tumhe kahin aur jana ho shopping karne ke liye. London, Paris, New York, kahin bhi. Just let me know. I'll get the ticket sorted. Okay? Ye tumhare liye. No limit. और हाँ, अगर आप लोगों को कुछ खरीदना हो, आपके कोई पसंद की चीज हो, एनीथिंग दैट यू वांट, फील फ्री टू बाय इट, ओके? शादी की रस्में बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे। वैसे भी मैं शॉपिंग जा रही थी, तो दिस कैन हेल्प। यू गर्ल्स एंजॉय, आई सी यू लेटर। हाथ भी देखा तुमने उनका, दिल की जगह आंखों पर। ईशा तू क्या कर रही है तेरी लाइफ के साथ? विक्रम जी और तुझ में कितना एज डिफरेंस है? पैसा और शॉपिंग सब कुछ नहीं होता। ईशा, बच्चों के बारे में सोचा है? जब बच्चे अगर वो भी उनसे हो पाया तो देख, विक्रम जी और बच्चों में कितना एज डिफरेंस होगा। इट बी सो एम्बैरेसिंग फॉर द किड्स। इस लड़के की हिम्मत की तारीफ करनी होगी, ये अपनी बहनों के लिए अपनी पूरी लाइफ बर्बाद करने को तैयार हो गई। तुम गरीब लोग भी ना कैसे कैसे काम कर लेते हो। मिस बेदी, आप जितना गरीब समझते हमें, हम उतने भी गरीब नहीं है। Of course. मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि तुम्हारा भी मन करता होगा ना कि तुम्हारी बहन की शादी कोई यंग, हैंडसम एंड चार्मिंग बंदे से हो। आई नो मनी इज अ बिग फैक्टर,
ये 1 करोड़ का चेक तुम्हारे और तुम्हारी बहनों के जिंदगी के लिए इट्स एक्चुअली मोर देन एनफ और विक्रम के आने से पहले यहां से दफा हो जाओ. कम ऑन ईशा, टेक इट. देवीना दी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ईशा विक्रम अंकल से शादी करे. उसके लिए वो पम्मी आंटी से चेक भी नहीं लेना चाहती थी. पर ईशा, उसने एक दिन विक्रम अंकल को हाँ बोला और दूसरे दिन ना बोलने के लिए चेक भी लिया. हम भी अब स्ट्रेंजर्स की तरह बस वेट कर रहे थे और प्रे कर रहे थे कि वो सही फैसला ले.